गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस क्लास थर्ड एंड चैप्टर थर्ड आल्सो. एंड टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू द वे टू रिड्यूस एयर लैंड वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन. आफ्टर दैट we will summarize this chapter. First of all, here is the important things are given here. I think you should read carefully, after that implementation in your life also. Okay, first of all, here is written what are the ways to reduce air pollution. The first, use as little electricity petrol and cooking gas as possible. Clear? It means आप जहां तक संभव हो सके तो electricity से चलने वाली गाड़ियों का यूज करें, वाहनों का प्रयोग करें, और पेट्रोल और कुकिंग गैस का उपयोग कम से कम करें. दूसरा, ट्राई टू ट्रेवल मोर बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लेस बाय प्राइवेट कार्स और मोटर बाइक. यानी संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा दूरी यात्रा करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम यूज करें, जैसे कि कार और मोटर बाइक का. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट मींस रेल, बस आदि. डो नॉट वेस्ट पेपर, पेपर का को वेस्ट ना करें. प्लांट ट्रीज, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा लें. नेक्स्ट, लैंड पोल्यूशन. डू नॉट लिटर योर सराउंडिंग्स. यानी आप अगल बगल जमीन के अपने भूमि के में कोई ऐसी गंदगी को ना फैलाएं. सेकंड ऑप्शन एयर पोल्यूशन में भी था, प्लांट ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. यूज ओनली नेचुरल फर्टिलाइजर्स फॉर योर प्लांट्स. अपने पौधों में, खेतों में डालने के लिए हो सके तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स यानी गोबर से बने हुए खादों और अन्य खादों का यूज करें. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें. एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग्स, फॉलो द 3 R's. यानी 3 R, इट मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग. यानी कोई भी वस्तु को जहाँ तक हो सके उसको रिड्यूस करें, कम करें, रीयूज करें और रिसाइकलिंग करके फिर उसे पुनः वापस का उपयोग करें. These 3 R's help us in reducing pollution. इससे पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगा. नंबर थर्ड, वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन को कैसे कम करें. डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन टू द रिवर टेक और ऑन द सी बीच. यानी देखा जाता है कि नदियों में या समुद्र के किनारे लोग प्लास्टिक का बोतल और बहुत सारे ऐसे गार्बेज फेंक देते हैं जो कि ना करना चाहिए. डू नॉट थ्रो ऑयल्स एंड पेंट्स डायरेक्टली इन टू द सिंक एट होम. आप लोग या हम सभी जो ऐसा करते हैं, तेल्स को और पेंट्स को, कलर्स को डायरेक्ट सिंक नहीं करना चाहिए अपने घरों में. डू नॉट वेस्ट क्लोथ्स इन द रिवर और पॉन्ड्स. कपड़े को तालाबों में, नदियों में ना धोएं, वॉश. एंड After that, reduce noise pollution. Avoid blowing horns unless necessary. बिना जरूरी के हॉर्न ना बजावें. Avoid using loudspeaker in outdoor parties. Outdoor party यानी घर से होने वाली बाहर पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा loudspeaker का avoid करें. And do not burst crackers, पटाखों को फोड़ने से दूर रहें. After that, summarize everything that surround us. Us is our environment. Simple, I had already told you.
यानी जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वह इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसीलिए इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम हार्म आवर इन्वायरमेंट, कई सारे ऐसे कारक हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं। द प्रोसेस बाई विच इन्वायरमेंट इज डैमेज टू ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज पॉल्यूशन, और मानव के द्वारा जो एक्टिविटी किया जाता है इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करने के लिए, इस पॉल्यूटेड करने के लिए उसे पॉल्यूशन कहते हैं। After that, there are various types of pollution such as air, water and land and noise pollution. कई तरह के pollution होते हैं जिसके नाम इस प्रकार हैं। We must take step to reduce pollution and care for our environment. हमें अवश्य अपने pollution को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, environment को सुरक्षित करना चाहिए। Thank you.